नमस्कार साथियों, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज के इस वीडियो में लोग जो है यूपीएससीटी लीड क्लासेज के अंतर्गत इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं कि जो कि लीड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ओवरऑल सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें 2021 में आपका लगभग 11 या 13 क्वेश्चन आपके लीड एग्जाम में ओनली ड्राइंग से पूछे गए थे, शायद 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर साल जनरली 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता ही जाता है। तो ओवरऑल सारे सब्जेक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो आपका ड्राइंग है, और उस ड्राइंग सब्जेक्ट के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है आपका पहला चैप्टर ये है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स इंपॉर्टेंट है और आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, दो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों आप अच्छे से पढ़ लिए ड्राइंग के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है साल्व हो जाते हैं, और आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि सारी चीज़ें आप इमेजिन कर पाएंगे, आप चीज़ों को समझ पाएंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे जैसे मैं समझाता जा रहा हूँ केवल आपको वीडियो देखना है, नोट्स आपको मिल जाएगा, क्लास वाइज आपको नोट्स मिलता हुआ जाएगा। जैसे क्लास वाइज, जैसे क्लास वन हुआ, क्लास वन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक रहेंगे उसका PDF आपको मिल जाएगा, क्लास टू से रिलेटेड जितना रहेगा उसका PDF आपको मिल जाएगा, क्योंकि नोट करने में डायग्राम वगैरह रहेगा तो कठिनाई होगी, नोट से डायग्राम वगैरह बना करके लिख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चाहे तो एक आप रफ नोट्स या शॉर्ट नोट्स भी चाहे तो बना सकते हैं, बाकी आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट, या इसी को हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के नाम से भी जानते हैं, जैसे किसी किसी स्टेट में सब्जेक्ट का नाम इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है और किसी किसी स्टेट में इसी सब्जेक्ट को जो है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के नाम से पढ़ते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग ये जो सब्जेक्ट है ये है क्या, इसकी डिफिनीशंस क्या है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो है इसकी डिफिनीशंस क्या, परिभाषा क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए आजकल जो दौर है इंडस्ट्री का दौर है, मार्केट में प्रतिस्पर्धा लगी रहती है चीज़ों को बनाने की या सेल करने की। तो कोई भी प्रोडक्ट जो हम लोग बनाते हैं मार्केट में, कोई भी प्रोडक्ट हम लोग जो बनाते हैं, प्रोडक्ट को बनाने से पहले हम लोग उसकी क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग बनाएंगे इसके, जिसके अंतर्गत हम लोग उसके डायमेंशंस वगैरह डिफाइन करेंगे कि लंबाई चौड़ाई मोटाई जो भी चीज़ें हैं क्या क्या होंगी। तो देखिए ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जैसे सपोज़ कीजिए हमको कोई प्रोडक्ट बनाना है, सपोज़ कीजिए कुर्सी ही बनाना है, तो कुर्सी में पैर मतलब जो होगा उसका हैंडल जो होगा उसका एक स्पेशल साइज होगा। तो कहने का मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो बनाना है तो ड्राइंग एक ऐसा माध्यम है कि जिसमें हम चित्रों के माध्यम से अपनी बात को दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे जो इंजीनियरिंग सेक्टर में जो ड्राइंग बनाने का काम होता है वो ड्राफ्ट्समैन का होता है, ड्राइंग बनाने का जो मेन काम होता है किसका होता है, ड्राफ्ट्समैन का होता है। तो ड्राफ्ट्समैन का काम होता है ड्राइंग को बनाना। अब ड्राइंग बनाने के बाद वो जाता है इंडस्ट्री वगैरह में, उससे हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो जो है ड्राफ्ट्समैन ड्राइंग बना के दिया और वो प्रोडक्शन जहाँ पे होना वहाँ पे गया, तो जो भी इंजीनियर होगा जो उसको बनाता होगा वो देख करके ये समझ जाएगा इसमें क्या चीज़ें कैसे हैं, क्या डायमेंशन क्या है, क्या क्या चीज़ें करनी है। मतलब मुंह से कुछ भी बोल करके बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चित्रों के माध्यम से ही अपनी बातों को व्यक्त कर दे रहा है ड्राफ्ट्समैन जो है। जैसे कोई घर बनाना हो, कोई घर बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, घर का नक्शा बनवाते हैं, उसका प्लान बनवा लेते हैं और प्लान देख करके समझ जाते हैं कि क्या है इस कमरे में, कितने कमरे हैं, बरामदा कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, किचन कहाँ है, कमरे की साइज़ क्या है, बरामदे की साइज़ क्या है, बाथरूम की साइज़ क्या है, मतलब पूजा घर कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें हम लोग ड्राइंग देख करके समझ जाते हैं। यानी कि ड्राइंग क्या है, ड्राइंग के अंतर्गत एक व्यक्ति अपनी बातों को चित्रों के माध्यम से दूसरे के सामने क्या कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। इसमें किसी बोले जाने वाली भाषा की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग लोग कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द ग्राफिकल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। यह इंजीनियर्स की कौन सी भाषा होती है, ग्राफिकल लैंग्वेज होता है, यानी कि चित्रों के माध्यम से इंजीनियर्स अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इसकी अगर हम लोग परिभाषा लिखें इंजीनियरिंग ड्राइंग की, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की परिभाषा क्या होगी, तो परिभाषा क्या होगी, इंजीनियरिंग ड्राइंग इज ए ग्राफिकल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, ग्राफिकल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, इंजीनियर्स की ग्राफिकल लैंग्वेज होती है, चित्रीय भाषा होती है, चित्रों के माध्यम से अपनी बातों को दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। अब इसमें जो हमारा पहला चैप्टर जो हमको पढ़ना है वो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, या इसको हम लोग ड्राफ्टिंग टूल भी कह सकते हैं, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ड्राफ्टिंग टूल भी कह सकते हैं,
ड्राफ्टिंग टूल, क्योंकि ड्राइंग को बनाता कौन है, ड्राफ्ट्समैन बनाता है, और ड्राफ्ट्समैन ड्राइंग बनाने के लिए जिन टूल्स का या जिन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करता है उसको हम लोग ड्राफ्टिंग टूल कहते हैं या ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। तो जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स या ड्राफ्टिंग टूल जो है, ये मेन टूल लिखे गए हैं जिनसे आपके एग्जाम में, कम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, और सबके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो आप लोग सेमेस्टर एग्जाम में ड्राइंग की पढ़ाई पढ़ते थे, जो सेमेस्टर एग्जाम में ड्राइंग की पढ़ाई पढ़ते थे, वो आप लोग बनाने के परस्पेक्टिव से पढ़ते थे, बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे पढ़ने का तरीका ड्राइंग का थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इस यहाँ पे ड्राइंग पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें ड्राइंग बोर्ड होता क्या, पहला हमारा जो है इंस्ट्रूमेंट्स है वो ड्राइंग बोर्ड है। ड्राइंग बोर्ड पहला लिख लेंगे, ड्राइंग बोर्ड। तो ड्राइंग बोर्ड आप लोग ड्राइंग बनाए होंगे या आप लोग ड्राइंग खरीदे भी होंगे, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे खरीदते हैं, तो ड्राइंग बोर्ड ऐसे आप लोग खरीदे होंगे ऐसे, और अगर बैक साइड में देखें तो ऐसे दो पट्टी लगी होगी। अगर आप मार्केट से खरीदे होंगे ड्राइंग बोर्ड, बैक साइड में ऐसे ड्राइंग बोर्ड के पीछे दो पट्टी लगी होगी, और ऐसे यहाँ पे पेच द्वारा जो है कसा गया होगा, पीछे वाला हिस्सा, ये पीछे वाला हिस्सा है, ऐसे कुछ आपका ड्राइंग बोर्ड होता है लकड़ी का, आप लोग देखे होंगे। तो ये होता क्या है, अगर पलट देंगे तो ये पीछे चला जाएगा, तो ये आपको नहीं दिखेगा। ये होता क्या है, इसे ड्राइंग आप लोग जब बनाते होंगे तो ड्राइंग बोर्ड पे ही क्या लगाते हैं, ड्राइंग शीट लगाते हैं। ड्राइंग शीट को ऐसे ड्राइंग बोर्ड पर सिल्लो टेप की सहायता से या बोर्ड क्लिप की सहायता से ऐसे यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं, ऐसे चिपका करके फिक्स कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा है ड्राइंग बोर्ड है, ये हमारा क्या है, ड्राइंग बोर्ड है। समझिएगा, केवल नोट कुछ भी नहीं करना है। और ये हमारा क्या है, ड्राइंग शीट है, ये हमारा क्या है, ड्राइंग शीट है। तो यहाँ पे ड्राइंग बोर्ड का फंक्शन क्या है, ड्राइंग बोर्ड का काम क्या है, ड्राइंग बोर्ड जो होता है वो ड्राइंग शीट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे ड्राइंग शीट जो हवा में रख करके तो ड्राइंग बनाएंगे नहीं, क्योंकि पेंसिल की नोक उसमें घुस जाएगी और होल हो जाएगा। तो हमारा ड्राइंग बोर्ड का फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, ड्राइंग शीट को सपोर्ट प्रोवाइड करना। ड्राइंग बोर्ड का काम क्या होता है, ड्राइंग शीट को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, कौन, ड्राइंग बोर्ड। अब ड्राइंग बोर्ड जो हमारा होता है, इसकी कुछ साइज, जो इसकी जो साइज है वो स्टैंडर्ड साइज होती है, वो मानक होती है, उसी साइज में मार्केट में ड्राइंग बोर्ड अवेलेबल होते हैं। तो ड्राइंग बोर्ड की एक साइज होती है, ड्राइंग बोर्ड की क्या होती है, एक साइज होती है, उसी साइज के ड्राइंग बोर्ड जो है मार्केट में अवेलेबल होते हैं। जो आपका ड्राइंग बोर्ड का पहला साइज होता है उसको हम D0 नाम देते हैं। इसकी साइज जो होती है ये 1500 × 1000 × 25। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत जो कोई भी डायमेंशन हम लोग लेते हैं हमेशा MM में लिया जाता है। अगर किसी भी डायमेंशन के आगे कुछ यूनिट नहीं लिखा हुआ है, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, जो भी चीज़ें हैं, तो उसको हमेशा मिलीमीटर में मेजर किया जाता है। तो ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत कोई भी डायमेंशन किस में मेजर करेंगे, मिलीमीटर में मेजर करेंगे। ये कहीं नोट कर सकते हैं आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया कि ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो डायमेंशन हम लोग किस यूनिट में मेजर करते हैं, तो जो लेंथ का यूनिट होता है वो हमेशा मिलीमीटर में हम लोग यूज करते हैं, मेजर करते हैं। तो D0 जो साइज होता है इसकी, इसका जो साइज है ये 1500 × 1000 × और ये ड्राइंग बोर्ड की जो साइज है L × B × H के साइज में, और ये किस में है, MEM में, मतलब लंबाई × B मतलब चौड़ाई, और LBT कह सकते हैं, T मतलब थिकनेस, B का मतलब ब्रीथ होता है, या W भी लिख सकते हैं, W से भी दर्शा सकते हैं, LBT लंबाई चौड़ाई और मोटाई। तो ये किसमें, MEM में, यानी कि 1500 लंबाई हो गया, 1000 चौड़ाई हो गया, और 25 MM क्या हो गया, उसकी थिकनेस हो गई। दूसरा जो ड्राइंग शीट का आपका साइज होता है D1 मार्केट में इसी नाम से मिलता है, ये आपका हो जाएगा 1000, आपका हो जाएगा 1000 × 700 × 25, 1000 × 700 × 25, ये आपका हो गया D1 हो गया। ऐसे ही आपका अगला D2 होगा, D2 की साइज हो जाएगा ये 700, अगला हो जाएगा × 500 × 15, 700 × 500 × 15, ये D3 की साइज हो जाएगी, और एक आपका आता है D4 में हो जाएगा 500, और ये 350 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा, 500 × 350 × 15, लंबाई चौड़ाई और मोटाई के फॉर्म में लिखा गया है। अब ये जो D0 D1 होता है ये ऑफिस में यूज करते हैं, फार ऑफिस यूज ओनली,
फायर ऑफिस यूज ओनली, मतलब ये सब हम ऑफिस में यूज करते हैं, और ये जो दोनों होते हैं फायर क्लासरूम, फायर क्लासरूम, क्लासरूम मतलब क्या, इसको स्टूडेंट यूज करते हैं और ये इंडस्ट्री में यूज होता है। ऑफिस में यूज होने का मतलब ये इंडस्ट्री में यूज होता है, और इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, क्लासरूम में यूज करते हैं। कौन सा, D2 और सॉरी ये D3 होगा, ये क्या होगा D3 होगा, D0 D1 D2 D3। तो एक तो इसका साइज हो गया, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि इनमें से किस ड्राइंग बोर्ड की साइज सबसे बड़ी होगी, किस ड्राइंग बोर्ड की साइज सबसे बड़ी होगी, ऑप्शन में दे देगा D0 D1 D2 D3। अब जो नहीं पढ़ा रहेगा बच्चा वो क्या करेगा, वो D3 टिक करके आ जाएगा, क्योंकि उसके आगे 3 लगा हुआ तो समझेगा उसकी साइज बड़ी है, लेकिन नहीं, वो साइज उसकी क्या होगी, छोटी होगी। सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, D0 की होगी, उससे छोटा आपका D1 होगा, उससे छोटा आपका D2 होगा, और उससे छोटा आपका क्या होगा, D3 होगा। तो ये हमारा हो गया ड्राइंग बोर्ड। तो ड्राइंग बोर्ड का फंक्शन क्या है, ये ड्राइंग शीट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके 3 साइजों में अवेलेबल होते हैं, 4 साइज में अवेलेबल होते हैं, D0 D1 D2 और D3। D0 की साइज क्या होती है, 1500 × 1000 × 25 mm में। D2 की क्या होता है, 1000 × 700 × 25 mm में। D3 का 700 × 500 × 15 mm में, और D3 का आपका हो जाएगा 500 × 350 × 15 mm। ये सारी साइज किस में है, mm में है। अगला हमारा जो ड्राफ्टिंग टूल या ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हमारा है ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट से अभी पिछली बार 2021 में ही क्वेश्चन पूछा गया था, और काफ़ी इजी क्वेश्चंस बनता है, 2-3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आप पढ़े रहेंगे तो आसानी से जो है कर लेंगे। अगला हमारा क्या है ड्राइंग शीट। अगला हो गया ड्राइंग शीट। अब ड्राइंग शीट पे ही हम कोई भी ड्राइंग बनाएंगे। इसकी पहले साइज की अगर हम लोग बात करें, इसमें पहला होता है A0। A0 की साइज जो होती है 1189 × 841 होता है। क्या होता है, 1189 × 841। आपको एक ही साइज याद रखना है, 1189 × 141। ये क्या है, लंबाई और चौड़ाई के फॉर्म में है। ड्राइंग शीट में क्या, लंबाई गुड़े चौड़ाई किस में रहेगा, ये mm में रहेगा। 1189 × 841 जो A0 होती है उसकी साइज क्या होती है, 1189 × 841। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें A0 के बाद, अगर A1 हमको लिखना हो तो A1 की साइज क्या होगी। अब देखिए जो इसकी चौड़ाई है, A0 की जो चौड़ाई है वो A1 की लंबाई होगी। A1 की लंबाई कितना हो जाएगा, 841, बिना देखे लिख देंगे, आप रट नहीं पाएंगे चारों का, आपको एक याद रखना, बाकी आपको प्रैक्टिस करना, इसी तरीके से रटना बिल्कुल भी नहीं, आपको एक ही केवल याद रखना, सबसे बड़ा वाला। अब इसकी चौड़ाई जो लिखना रहेगा तो इसमें 2 से भाग देंगे, जो पूर्णांक वैल्यू होगा वही इसकी चौड़ाई होगी। 2 से भाग दीजिए, 11 × 2 = 25 = 10, 1 = 18, 2 = 9 = 18, और 9 में फिर जब भाग देंगे 2 × 8, यानी कि इसका साइज हो गया 841 × 594, और ये भी किस में होगा, mm में ही होगा। अब A2 की साइज अगर लिखें तो A2 की जो लंबाई क्या होगी, 594 होगी जाएगी A2 की लंबाई। इसकी चौड़ाई क्या होगी, फिर 841 में 200 भाग देंगे, 2 × 8, 2 × 2 = 4, और 200 × 0 = 420, क्योंकि पूर्णांक आपका 420 ही आएगा, तो लंबाई 594 हो गया, चौड़ाई हो गई 420। अब A3 अगर लिखें, A3 की साइज क्या होगी, अब इसका जो 420 लंबाई है A3 की, ये क्या हो जाएगी, इसकी जो चौड़ाई है A2 की, यही A3 की क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। लंबाई 420 हो गया, इसमें 2 से भाग दीजिए, 2 × 4 = 19, 2 × 9 = 18, 1 = 14, 2 = 14, 420 × 297 इसका आ गया A3 की साइज आ गया। अब फिर लिखेंगे A4 की साइज, अब A4 के लिए लंबाई क्या होगा, 297 लंबाई हो जाएगा A4 की, और फिर इसकी चौड़ाई के लिए 420 में 2 से भाग, 2 × 4 = 2, 2 × 0 = 0, इसकी हो गई चौड़ाई। तो यहाँ पे A0, A1, A2, A3, A4, कभी कभी प्रश्न में आ जाता है कि इनमें से किसकी साइज सबसे बड़ी है, 4 ऑप्शन दे देगा, मान ले दीजिए A0 दे दिया, A3 दे दिया, A1 दे दिया, A4, तो A0 वाला सबसे बड़ा, उससे छोटा A1, उससे छोटा A2, उससे छोटा A3, उससे छोटा A4। अब इसमें और क्वेश्चन आते हैं, इसमें और क्वेश्चन बनता है। पहला जो A0 है, A0 का जो एरिया होता है वो होता है 1 m². A0 का एरिया जो होता है 1 m² होता है। A0 का एरिया कितना होगा, 1 m² होगा। अब जो A1 वाला होगा उसका एरिया, A1 वाले का एरिया A0 का आधा होगा। A1 वाले का एरिया A0 का क्या होगा, आधा होगा। अब A1 की अगर हम लोग बात करें तो A1 का जो एरिया होगा वो क्या होगा, A0/2 होगा,
और ये कितना होगा 0.5 मीटर स्क्वायर होगा। ऐसे अगर ए टू लिखेंगे, ए टू ए वन बाई टू होगा और इसका एरिया हो जाएगा 0.25 मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब जैसे जैसे हम लोग नीचे बढ़ते हुए जाएंगे, वैसे वैसे नीचे वाला अपने ऊपर वाले का क्या होगा, आधा होगा। जैसे A4 A3 का आधा होगा एरिया में, A3 A2 का आधा होगा एरिया में, A2 A1 का आधा होगा एरिया में, और A1 A0 का आधा होगा एरिया में। और A0 उसका मीटर में जो एरिया होगा वो 1 मीटर स्क्वायर होगा। A1 का इसका आधा, A2 का इसका आधा। अगर हम A3 का लिखेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, फिर A4 का लिखेंगे तो ये A3 वाला रहेगा उसका आधा। अगर हम लोग यहाँ पे A3 लिखें तो ये क्या हो जाएगा, A2 बटे 2 होगा। और ऐसे ही अगर A4 लिखें तो ये क्या हो जाएगा, A3 बटे 2। तो A4 वाली जो साइज होती है इसका, जनरली A3 और A4 ये इसका आप लोग जीराक्स निकलवाते हैं, इसका आप लोग क्या करवाते हैं, जीराक्स निकलवाते हैं। और जो A2 होता है, जनरली A2 होता है ये आप लोग क्लासरूम में यूज करते हैं, ये आप लोग कहाँ यूज करते हैं, क्लासरूम में यूज होते हैं। और ये कहाँ पे यूज होता है, जनरली ऑफिस में यूज होता है। A0 A1 जनरली कहाँ यूज होता है, ऑफिस में यूज होता है। और जनरली जो A1 वाली साइज आती है मार्केट में, एक बड़ा ड्राइंग बोर्ड जो आपका कह सकते हैं, D1 वाले साइज का भी ड्राइंग बोर्ड एक आता है, D1 वाले साइज का आता है, तो या D2 वाले साइज का आता है। तो जनरली मार्केट में देखेंगे बड़ी ड्राइंग शीट आती है, उसको फोल्ड करके हाफ करके हम लोग छोटा वाला यूज करते हैं, जो एग्जाम में यूज करते हैं वो छोटा वाला यूज करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग क्लासरूम में जो है जनरली हम लोग A2 वाला यूज करते हैं ड्राइंग शीट। और ये A3 A4 हम लोग फोटो कापी निकलवाते हैं जनरली। A4 का तो ज़्यादा प्रचलन में है, उससे बड़ा A3 होगा, उसका 2 गुना, मतलब जो फोटो कापी निकलवाते हैं उसका 2 गुना आपका A3 वाला होगा, और A3 वाले का 2 गुना आपका होगा ये क्लासरूम में यूज करते हैं। ये भी मार्केट में A1 वाला भी मिलता है ड्राइंग बनाने के लिए, तो A1 वाला जो बच्चे खरीद के लेकर के आते हैं तो उसका हाफ कर देते हैं, उसको 2 पार्ट में फाड़ देते हैं, तो वो A2 साइज का आपका हो जाता है। और इससे क्वेश्चन क्या आता है, तो इसी से रेशियो में कुछ आया हुआ था क्वेश्चन 2021 में, आप ड्राइंग के क्वेश्चन देखेंगे इसी रेशियो में कुछ ऐसे करके आया हुआ था। एक और क्वेश्चन क्या होता है, जो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होता है वो √2 रेशियो होता है। जो ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होता है वो √2:1 होता है। तो आपका यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन होंगे, एक तो यहाँ पे इसकी साइज से रिलेटेड हो गया, A0 सबसे बड़ा और A4 सबसे छोटा, और इनका ये जो एरिया A0 का 1 मीटर स्क्वायर होता है, और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे एरिया क्या होता जाएगा, हाफ हाफ होता जाएगा। और इसकी लंबाई और चौड़ाई में जो रेशियो होता है वो √2:1 होता है, लंबाई और चौड़ाई में जो रेशियो होता है √2:1 होता है। इन सबसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपके पूछे गए हैं कई बार। ये आपका क्या हो गया, ड्राइंग शीट हो गया। ड्राइंग शीट सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जितना भी पढ़ रहे हैं, ड्राइंग शीट और पेंसिल सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी। अब बात करें अगर हम लोग अगला आपका टी स्क्वायर है। आप लोग देखे होंगे बढ़ई लेकर के चलते हैं, कारपेंटर लेकर के टी स्क्वायर को कारपेंटर लेके चलते हैं, कैसा होता है, ऐसे कुछ होता है, ऐसे कुछ, ये 90 डिग्री पे होता है। ये आपका एक ब्लेड होता है, ये आपका क्या होता है, ब्लेड होता है, और ये जनरली ऐसे, ये ऐसे होता है, ऐसे इस पर लगा होता है, एक ब्लेड होता है, एक आपका थोड़ा सा थिकनेस में होता है, एक आपका थोड़ा सा थिकनेस होता है, ये ब्लेड हो गया। इसमें एक वर्किंग एज होता है, अगर इसमें इसको भी हम 3D में ऐसे बनाएं तो ये वाला जो एज होता है ये आपका होता है वर्किंग एज होता है। ये क्या होता है, वर्किंग एज होता है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब कोई सरफेस हो गया, उसके हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर सकते हैं, उसके वर्टिकल लाइन ड्रा कर सकते हैं, या परपेंडिकुलर लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर सकते हैं, और पैरेलल लाइन भी कर सकते हैं, किसी लाइन के पैरेलल लाइन भी ड्रा कर सकते हैं।
और इस पे जो हमारा ट्राई स्क्वायर होता है इस पे सेट स्क्वायर को रख करके अलग अलग एंगल का हम लोग कोण भी बना सकते हैं। ट्राई स्क्वायर पे सेट स्क्वायर को रख करके अलग सेट स्क्वायर आपका, इसके बाद अगला वाला टॉपिक है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर ऐसे आपका एक आपका ये एक आपका ये 30 डिग्री में आता है, ये 60 और ये 90, और एक सेट स्क्वायर आपका आता है, एक सेट स्क्वायर आपका आता है जिसमें ये भी 45 डिग्री होता है और ये भी 45 डिग्री होता है। दो सेट स्क्वायर आप लोग कभी ज्योमेट्री बॉक्स खरीदेंगे दो टाइप के सेट स्क्वायर आते हैं, एक 60-30 वाला होता है, एक 45-45 वाला होता है। तो 60 और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सेट स्क्वायर जो होता है इससे हम लोग पैरेलल लाइन भी ड्रा करते हैं, कोई लाइन है उसके पैरेलल लाइन उसके समांतर लाइन ड्रा करते हैं, उसके समांतर लाइन ड्रा करते हैं, कोई लाइन पहले से है उसके समांतर लाइन हम लोग ड्रा कर सकते हैं, किसी लाइन के समांतर लाइन हम लोग ड्रा कर सकते हैं। समांतर लाइन के अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर सकते हैं, उसके लंबवत रेखा ड्रा कर सकते हैं, और हम लोग जो है इससे इंक्लाइंड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। इंक्लाइंड मतलब सेट स्क्वायर की सहायता से हम लोग समांतर रेखा, लंबवत रेखा और तिर्यक रेखा तीनों रेखा खींच सकते हैं, और हम लोग ट्राई स्क्वायर की सहायता से हॉरिजॉन्टल रेखा मतलब क्षैतिज रेखा, पैरेलल रेखा मतलब हम लोग समांतर रेखा किसी सरफेस के समांतर रेखा, और जो है इसके अलावा जो है हम लोग इस पर जो है ट्राई सेट स्क्वायर को रख करके विभिन्न एंगल का कोण भी हम लोग जो है बना सकते हैं, विभिन्न एंगल का कोण भी हम लोग क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सेट स्क्वायर, हमारा क्या हो गया सेट स्क्वायर। अब अगला प्रोटेक्टर हो गया चांदा। चांदा तो आप लोग देखे ही होंगे, चांदा आप लोग देखे ही होंगे, चांदा इस तरीके से, ये सब का तो जो नाम है वही नाम है, प्रोटेक्टर स्क्वायर को हिंदी में चांदा कहते हैं, बहुत लोग प्रोटेक्टर का नाम ही नहीं सुने होंगे अभी। चांदा इसमें ये आपका बीच में 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, ये ऐसे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ऐसे रहता है। तो चांदे की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के कोण बना सकते हैं, और इसका जो लीस्ट काउंट होता है, अल्पतमांक जो होता है, लीस्ट काउंट अल्पतमांक जो होता है वो 0.5 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 0.5 डिग्री, मतलब इससे 0.5 डिग्री का कोण हम लोग मेजर कर सकते हैं या बना सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया चांदा, ये आपका क्या हो गया चांदा हो गया, आपका हो गया चांदा। अब बात करें अगला है कंपास एंड डिवाइडर। तो कंपास में लोग पेंसिल लगाते हैं, डिवाइडर में पेंसिल लगाते नहीं हैं, बस दोनों में डिफरेंस है। अब कंपास का यूज क्या करते हैं हम लोग, सर्किल बनाने के लिए करते हैं कंपास का यूज। कंपास का यूज हम लोग क्या करेंगे, कंपास का यूज हम लोग जो है सर्किल ड्रा करने के लिए या कोई आर्क ड्रा करने के लिए करते हैं। कोई सर्किल ड्रा करने के लिए हम लोग कंपास का यूज करेंगे या आर्क ड्रा करने के लिए करेंगे। अब जो ये कंपास होता है ये भी कई प्रकार का होता है, एक होता है स्मॉल स्प्रिंग बो कंपास, स्मॉल स्प्रिंग बो कंपास या स्प्रिंग बो कंपास भी कहते हैं, स्मॉल बो कंपास भी कहते हैं। स्मॉल स्प्रिंग बो कंपास एक होता है, जो स्मॉल स्प्रिंग बो कंपास होता है इससे जो है अप टू 25 mm डायमीटर का सर्किल बनाते हैं। इससे कितने का सर्किल बनाते हैं, अप टू 25 mm डायमीटर का सर्किल हम लोग बनाते हैं। दूसरा आपका होता है लार्ज कंपास होता है, लार्ज कंपास होता है, लार्ज कंपास हम लोग 25 mm से लेकर के 150 mm का सर्किल बनाते हैं। एक आपका बड़ा आता है, आप लोग मार्केट में जाएंगे जैसे ड्राइंग इंजीनियर ड्राइंग के लिए, जैसे आप वैसे जनरली खरीद रहे होंगे कक्षा 8 तक या हाई स्कूल तक, तो ये पेंसिल ऐसे रहा होगा, एक में से पेंसिल लगाने वाला रहता है, पेंसिल लगाने वाला एक में ऐसे डंडा बड़ा रहता है, ऐसे यहाँ पे ऐसे पेंसिल लगाते हैं। तो ये आपका होता है स्प्रिंग स्मॉल स्प्रिंग बो कंपास। इंजीनियरिंग सेक्टर में ऐसे स्प्रिंग लगा रहता है, ऐसे बीच में एक ऐसे घटाने बढ़ाने वाला होता है ऐसे कुछ, और यहाँ पे ये ऐसे पेंसिल लगाने वाला रहता है और ऐसे रहता है, या पेंसिल लगाने वाला है, किसी किसी में पेंसिल का नोक लगता है, पेंसिल लग के पेंसिल का नोक लगता है। तो स्मॉल स्प्रिंग वो कंपास जो होता है उससे अधिकतम हम 25 मिलीमीटर डायमीटर का ही सर्किल बना सकते हैं, लेकिन जो लार्ज कंपास आता है उससे 25 एम से लेकर के 150 एम डायमीटर का सर्किल बना सकते हैं। अगर इससे बड़ा हमको अगर सर्किल बनाना हो तो लेंथनिंग बार का यूज करते हैं,
लेंथनिंग बार, लेंथनिंग बार का जब यूज कर लेंगे तो 150 mm डाया से बड़ा सर्किल बनाने के लिए, बड़ा सर्किल बनाने के लिए 150 mm डायमीटर से जब बड़ा सर्किल बनाना रहेगा तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग जो है लेंथनिंग बार का यूज करते हैं, उसके लिए किसका यूज करते हैं, लेंथनिंग बार का यूज करते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारा हो गया कंपास हो गया। मतलब कंपास में एक तरफ आपका जो स्टील वाला एक नुकीला ऐसा होता है, एक तरफ पेंसिल लगाते हैं, और जो हमारा डिवाइडर होता है उसमें हम जो लोग जो है पेंसिल नहीं लगाते हैं, दोनों तरफ नुकीला ही आपका रहता है। अगला आपका सर्किल टेम्पलेट है। अगला क्या है, अगला आपका कंपास और डिवाइडर हो गया, अगला आपका सर्किल टेम्पलेट है। जैसे आपको क्विकली अगर किसी स्पेसिफिक डाया का अगर सर्किल बनाना हो, मान लीजिए जो स्टैंडर्ड डायमीटर होता है, जैसे हो गया 1 सेंटीमीटर डायमीटर का, 2 सेंटीमीटर डायमीटर का, 0.5 सेंटीमीटर डायमीटर का, तो क्या होता है, एक ऐसे सर्किल टेम्पलेट आता है। इसमें अलग अलग साइज के सर्किल बने होते हैं। मतलब क्विकली बहुत तेज़ी से अगर आपको सर्किल बनाना हो, बहुत तेज़ी से सर्किल बनाना, तो कई सारे साइज के सर्किल बने होते हैं, लिखे रहते हैं। तो इसे तेज़ी से, जैसे कंपास में क्या, आप पेंसिल लगाएंगे, सेट करेंगे, स्केल से नाप करके तब सर्किल बनाएंगे, इसको रखा तुरंत सर्किल बना दिया, जैसे यहाँ पे सर्किल बनाना था, ऐसे पेंसिल घुमा दिया, इसके अंदर एक सर्किल बन गया, तो इसका साइज होगा उस डायमीटर का सर्किल। बहुत ही कम समय में आसानी से क्विकली मतलब तेज़ी से बनाने के लिए हम लोग जो है सर्किल टेम्पलेट का यूज करते हैं। अब अगला डिवाइस है मिनी ड्राफ्टर। अगला डिवाइस क्या है, मिनी ड्राफ्टर। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कई सारे डिवाइस को रिप्लेस करता है, ये किसको किसको रिप्लेस करता है, किसका किसका काम करता है। ये टी स्क्वायर का काम करेगा, ये टी स्क्वायर का काम करता है, ये सेट स्क्वायर का काम करता है, ये सेट स्क्वायर का काम करता है, ये प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर का काम करता है, और ये स्केल का काम करता है। मतलब चार चीज़ों का काम ये अकेले कर लेता है। मतलब कौन, मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर आप लोग ड्राइंग बनाए होंगे फर्स्ट ईयर में, देखे होंगे सारे इंजीनियरिंग वाले बच्चे मिनी ड्राफ्टर को देखे ही देखे होंगे। मिनी ड्राफ्टर जो है मतलब चार डिवाइस का काम करेगा, टी स्क्वायर का भी काम करेगा, सेट स्क्वायर का काम करेगा, प्रोटेक्टर का काम करेगा, यानी स्केल का काम करेगा। यानी कि टी स्क्वायर का काम हमने क्या बताया था, ये हॉरिजॉन्टल और पैरेलल लाइन ड्रा कर लेता था। सेट स्क्वायर क्या करता था, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन और इनक्लाइन लाइन ड्रा करता था। प्रोटेक्टर आपका कोई कोण मापता था, और स्केल से कोई लंबाई नापते थे। मतलब ये सारा चारों काम जो है आपका मिनी ड्राफ्टर करेगा। तो ये सारे डिवाइस को, ये सारे डिवाइस को ये क्या कर सकता है, ये आपका मिनी ड्राफ्टर जो है सारे डिवाइस को रिप्लेस कर सकता है। मतलब इन चारों को हटा करके मिनी ड्राफ्टर का यूज करेंगे तो इन सबकी जो है ज़रूरत ही हमको नहीं पड़ेगी, इन सबकी हमको क्या पड़ेगी, ज़रूरत ही हमको नहीं पड़ेगी। ये हमारा हो गया मिनी ड्राफ्टर। फ्रेंच कर्व, अगला है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व, फ्रेंच कर्व ने एक अजीब तरह का ऐसे कर्व टाइप का ऐसे बना होता है, ऐसे करके होता है। तो इसमें कोई स्पेशल आर्क बनाने के लिए हम लोग फ्रेंच कर्व का यूज करते हैं। मतलब इसमें कई सारे आर्क फॉर्म में ये सारे ऐसे मुड़े होते हैं, और उस फॉर्म में हम लोग को आर्क बनाना होता है। तो फ्रेंच कर्व की सहायता से हम लोग जो है आर्क वगैरह कोई जो है बना लेते हैं। ऐसे कोई टेढ़ा मेढ़ा एक डिवाइस होता है, प्लास्टिक का आता है, इसकी सहायता से हम लोग जो है कोई कर्व, स्पेशल साइप का शेप का कोई कर्व हम लोग जो है फ्रेंच कर्व की सहायता से जो है बनाते हैं। अब अगला सबसे इम्पॉर्टेंट आपका है पेंसिल। पेंसिल से बहुत सारे एग्जाम जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। पेंसिल सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ड्राइंग शीट आपका इम्पॉर्टेंट था बहुत मिनी ड्राफ्टर से। इससे जो है पिछली बार जो है 2 या 3 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपका ये। पेंसिल की अगर हम लोग बात करें तो पेंसिल से हम लोग कोई ड्राइंग बनाते हैं ड्राइंग शीट पे, तो पेंसिल जो है कई साइजों में आता है। मतलब टोटल 18 ग्रेड के पेंसिल अवेलेबल होते हैं मार्केट में। टोटल कितने प्रकार के पेंसिल अवेलेबल होते हैं, 18 ग्रेड के पेंसिल अवेलेबल होते हैं। 18 कौन कौन से हैं उनके नाम लिखते हैं और उनके बारे में समझाते हैं। जैसे हम एक सीरीज से नाम लिखते हुए जा रहे हैं, 9H, 8H, 7H, 6H, 6H के बाद 5H, 5H के बाद 4H, 4H के बाद 3H, 3H के बाद 2H, 2H के बाद आपका H, H के बाद F आ जाता है। H के बाद क्या आता है, F, F के बाद HB के बाद B, HB के बाद B, एक लाइन में नहीं आ पाएगा, एक लाइन में नहीं आ पाएगा। HB के बाद B, B के बाद 2B, 2B के बाद 3B, 3B के बाद 4B,
4B के बाद 5B, 5B के बाद 6B, 6B के बाद 7B। तो टोटल गिन लीजिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो टोटल कितने प्रकार के पेंसिल हो गए, टोटल 18 प्रकार के पेंसिल हो गए। अब ध्यान दीजिए, जो F होता है इसका नाम होता है फर्म, H फार फर्म है, और F फार फर्म है, H फार है हार्ड, और B फार है ब्लैक। B फार क्या है, ब्लैक है, और HB का मतलब है यहाँ पे हार्ड ब्लैक से है, हार्ड ब्लैक से है। अब यहाँ पे हम थोड़ा पेंसिल के बारे में आपको समझाते हैं। जैसे कभी आप देखे होंगे कोई स्केच बनाता होगा, जो स्केच बनाता होगा जनरली 4B पेंसिल का यूज करता है, 3B पेंसिल का यूज करता है। क्यों, क्योंकि वो मोटा होता है, उसका जो लीड होता है, लीड क्या होता है, वो मोटा होता है, लीड क्या होता है, मोटा होता है। और जो हम इसके पहले से वो पढ़ाए हैं पेंसिल से, जो हम लोग किसी स्पेसिफिक डाया का जो हम लोग सर्किल बनाते हैं उसके लिए हम लोग जो चीजल, जो पेंसिल की नोक होती है वो चीजल एज होता है। चीजल एज मतलब छैनी की एज का हम लोग यूज करते हैं कोई सर्किल वगैरह ड्रा करने के लिए, तो हमको एग्जैक्ट साइज का जो है सर्किल ड्रा होता है, ये भी आपके नोट्स में मिल जाएगा। बी फार ब्लैक हो गया। अब देखिए जैसे जैसे हम लोग मतलब इधर से इधर की ओर बढ़ते जाते हैं, इधर से इधर की ओर बढ़ते जाते हैं, तो एच मतलब क्या होता है, हार्डनेस बढ़ता है, क्या होता है, हार्डनेस बढ़ता है, और लाइटनेस, लाइटनेस बढ़ता है। अगर हम कहें ब्लैकनेस की बात करें तो ब्लैकनेस जो होता है घटता है। तो यानी कि जैसे आप लोग जो है अगर कोई पेंसिल का यूज किए होंगे, पेंसिल का यूज किए होंगे, जैसे मान लीजिए आप लोग यूज किए हैं मान लीजिए कि जैसे 1H का यूज किए हैं, 2H का यूज किए हैं, 3H का यूज करिए, तो वो क्या होता है, वो बहुत हार्ड होता है। हार्ड का मतलब वो घिसता नहीं जल्दी, पेपर पे आप लोग खींचेंगे, कोई लाइन खींचेंगे, निशान पड़ जाता है, मिटाने पे मिटता नहीं, निशान वो पड़ जाता है। और वो क्या होता है, मतलब हार्ड हो गया, बहुत हार्ड हो गया, घिसता नहीं है, लाइटनेस हल्का चलता है। HB पेंसिल की तुलना में जो H सीरीज की पेंसिल होती है वो हल्की चलती है, और ब्लैकनेस हल्का चलेगा तो ब्लैकनेस जाहिर सी बात क्या होगा, क्योंकि लाइटनेस का अपोजिट है विलोम है ब्लैकनेस, लाइटनेस का विलोम क्या है, ब्लैकनेस है। हल्का चलेगा तो आपका क्या होगा, ब्लैकनेस क्या होगा, घटेगा, ब्लैकनेस क्या होगा, घटेगा। अब जो बी सीरीज की पेंसिल होती है, मतलब अगर हम लोग मतलब बी से अगर हम लोग इधर की ओर जाएं, इधर की ओर जाएं, तो आपका क्या होगा, बोल्डनेस बढ़ेगा, बोल्डनेस, बोल्डनेस क्या होगा, जो लेड, जो इसकी लीड होगी, पेंसिल की लीड होगी वो मोटी होगी, वो देखेंगे मोटी होगी, जैसे जैसे इधर की ओर बढ़ते जाएंगे वो लीड मोटी होती हुई जाएगी। और क्या होगा, ब्लैकनेस, ब्लैकनेस बढ़ता जाएगा, ब्लैकनेस बढ़ता जाएगा, और सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस, और सॉफ्ट होती जाएगी पेंसिल। जैसे जो स्केच बनाते हैं बहुत सॉफ्ट पेंसिल होता है, उसको इरेजर से मिटाएंगे तो इजीली मिट जाएगा, निशान नहीं पड़ेगा। तो जो बी सीरीज की पेंसिल होती है वो बोल्डनेस होता है, मतलब लीड उसकी मोटी होती जाती है, ब्लैकनेस होता है, मतलब थोड़ा सा ब्लैक गाढ़ा चलता है वो, और सॉफ्टनेस काफ़ी सॉफ्ट होता है वो, क्या होता है, उसकी लीड जो होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है। और एफ मतलब फर्म, जो डॉटेड लाइन होते हैं उसको खींचने के लिए हम लोग एफ सीरीज का पेंसिल यूज करते हैं, एफ पेंसिल यूज करते हैं, जो डॉटेड लाइन वगैरह ड्रा करते हैं कहीं भी, हिडन लाइन कह सकते हैं। तो टोटल पेंसिल 18 टाइप का हो गया। HB से इधर जाने पर हमारा क्या होगा, कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन सी पेंसिल सबसे हार्ड होती है, चार ऑप्शन आ गया, 5H, 3H, 2B, 4B, तो कौन सा सबसे हार्ड होगा, 5H हार्ड होगा। ये ऑप्शन में आ गया, इनमें से कौन सा सबसे हार्ड होगा, ऑप्शन दे दिया H, या ऑप्शन ऐसे देखिए F, HB, B और 2B। अब पता चला आप F का नाम ही नहीं सुने हैं, तो इन अगर इन चारों मिलेगा तो सबसे हार्ड कौन सा होगा, F होगा। इनमें से कौन सी पेंसिल सबसे सॉफ्ट होगी, सॉफ्ट सबसे क्या होगा, 7B होगा। लेकिन ऑप्शन में आ जाए जो है 4H, 2H, 2B, 4B, तो कौन सा सबसे सॉफ्ट होगा, 4B होगा। मतलब किन्हीं चार का कॉम्बिनेशन दे सकता है। तो ये चारों से ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए, सीरीज आपका 9H से शुरू हो रहा है, 2H के बाद आपका H के बाद क्या जा रहा है, F आ रहा है। 9H से स्टार्ट करेंगे H तक जाएंगे, H के बाद F है, F के बाद HB, फिर B से स्टार्ट होगा 7B तक जाएगा। और जो HB पेंसिल होती है हार्ड ब्लैक होता है, मतलब इसमें हार्डनेस की प्रॉपर्टी भी होती है, इसमें ब्लैकनेस की भी प्रॉपर्टी होती है। इसी नाते सबसे ज़्यादा हम लोग यूज जो करते हैं लिखने वगैरह के लिए, कोई
और चीज़ करने के लिए हम लोग एच बी पेंसिल का यूज़ करते हैं। जल्दी घिसता भी नहीं है, ब्लैक भी चलता है, मिट भी जाता है। इसमें दोनों की प्रॉपर्टी है, हार्डनेस की भी प्रॉपर्टी है और ब्लैकनेस वाली भी प्रॉपर्टी है या शार्पनेस वाली भी प्रॉपर्टी है। तो ये हमारा जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स या ड्राफ्टिंग टूल का जो चैप्टर था, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको नोट्स जो है मिल जाएगा और नोट्स की सहायता से आप लोग सेल्फ लिख करके नोट्स बना लेंगे और इसको कई बार रिवाइज कर लेंगे, और रिवाइज करने के बाद जब इसका एमसीक्यू क्वेश्चन करवाया जाएगा, एमसीक्यू जो करेंगे तो आपसे फटाफट क्वेश्चन जो है होते जाएंगे। बहुत आसान सब्जेक्ट है ड्राइंग, बस आपको मन लगा करके समझते हुए जो है पूरा वीडियो देखते हुए आपको अगर पढ़ेंगे, कहीं मिस नहीं करेंगे, तो ड्राइंग का क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। जो ड्राइंग नहीं पढ़ते हैं, रटते हैं, ड्राइंग रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, तो ड्राइंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अभी तो ये थ्योरी वाला टॉपिक तक तो समझ में आ गया इजीली, आगे जब हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वगैरह पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा विजुलाइज करना पड़ता है, पूरा का पूरा मतलब फिगर को अपने दिमाग में सेट करना पड़ता है कि कैसे चीज़ें होती है। रटने से नहीं होगा, कॉन्सेप्ट अगर समझ जाएंगे तो ड्राइंग बहुत आसान हो जाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो ड्राइंग जो है आपको बहुत टफ लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।